खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी के मुकदमे में आज आठवीं बार फिर फैसला टल गया है। एमपी एमएलए एसेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल की तारीख दी है। बता दें कि जाजमऊ में डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नाजिर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। मामले में इरफान, रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटेवाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। जिला प्रशासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि कोर्ट ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए 29 अप्रैल की तारीख नियत की गई है। जो इरफान के अधिवक्ता हैं, उन्होंने लिखित बहस दाखिल नहीं की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिया कि हमें और समय दिया जाए। अभी हमारी लिखित बहस तैयार नहीं हो पाई है, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको सुधार करना है और इसलिए हमें समय दिया जाए। इसलिए माननीय न्यायालय ने उस पर हम लोगों ने अप्रोच किया है कि भाई ये आपको दाखिल कर देनी, हम लोग तो तैयार हैं अपनी लिखित बहस दाखिल करने के लिए, आप बार बार समय क्यों ले रहे हैं, क्यों निर्णय को आप लोग टालना चाहते हैं। तो वो फिर से 3 दिन का समय माननीय न्यायालय को 29 तारीख का दे दिया है और 29 तारीख लिखित बहस दाखिल करने के लिए अवसर उनको दिया गया है। अब 29 तारीख को लिखित बहस दाखिल करेंगे तो फिर निर्णय तिथि आगे पड़ेगी। नहीं, इरफान सोलंकी और अन्य मुलजमान चूँकि चुनाव की वजह से फोर्स नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। 29 तारीख को भी वो लोग संभवतः, अगर फोर्स नहीं रहेगा तो वीसी से ही आएंगे, वो आज भी वीसी से ही पेश हुए हैं सभी लोग। बस लेकिन ये कि निर्णय की तिथि अभी कोई बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी लिखित बहस का ही प्रोविजन चल रहा है। लिखित बहस 29 को दाखिल होगी, उसके बाद निर्णय लिए न्यायालय तय करेगी क्या तिथि लगेगी। तारीख पे तारीख, 7 बार से तारीख पे तारीख मिले। जिस तरीके से रिजवान सोलंकी माननीय न्यायालय से बाहर आते हुए बोल रहे हैं कि हम इसी दरवाजे से बेगुनाह जाएंगे, बेगुनाह निकलेंगे, तो हम लोग को डर लग रहा है कि हमको वैसे न्यायालय पे हमें भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं डर बना हुआ है हमारा। जिस तरीके से हमारी 2-3 हत्याएं हमारे परिवार में हो चुकी है, क्या जो बचे लोग हैं उनकी भी हत्याएं हो जाएगी। आगजनी वाले मामले में आज लिखित बहस दाखिल करना था, ना प्रोसिक्यूशन ने दाखिल की है ना हम लोगों ने दाखिल की है। हमारी ओर से एक प्रार्थना पत्र ये दिया गया है कि चूंकि लिखित बहस में कुछ प्रूफ रीडिंग रह गई है और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सईद नकवी जी बाहर गए हुए हैं, तो वो हम लोग 29 को दाखिल कर देंगे, उसी के लिए डेट लगी हुई है। पांचवें चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि नामांकन 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक भरे जा सकेंगे। चुनाव आयोग की शर्तों और नियमों का पालन करते हुए प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकेंगे। भारी पुलिस बल के साथ जोनल मजिस्ट्रेट एवं सीओ रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारी पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरे में रखी जाएगी निगरानी। लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, जो बांदा चित्रकूट की सीट है, पार्लियामेंट्री सीट है, उसका नामांकन बांदा में होना है। जो आरओ का कलेक्ट्रेट हमारा यहीं पे कार्यालय बनाया गया नामांकन स्थल, तो इसकी पूरी जो मानक है इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमारी बैरिकेडिंग ड्यूटीज लग चुकी हैं। अधिकारियों को लगाया गया, मजिस्ट्रेट एवं सीओस को, सभी सीसीटीवी कैमरा के नीचे है। 6 तारीख तक ये ड्यूटी रहेगी। उससे पहले सभी तिथियाँ सभी को अवगत करा दी गई हैं, सभी पोलिटिकल पार्टीज को, और सभी से यही अनुरोध किया गया कि इलेक्शन कमीशन के मानक अनुसार ही अपना जो नामांकन है वो करें, कोई भी इसमें इसका उल्लंघन न करें। सभी सीसीटीवी की निगरानी के अंदर है, फायर की पूरी सेफ्टी का देखते हुए यहाँ लगाई गई है फायर सेफ्टी की, तो सभी मानकों को पूरा किया गया। सर, जैसे प्रत्याशियों के साथ समर्थक आएंगे उनको कैसे रोका जाएगा? देखिए, 200 मीटर से आगे हम किसी को भी अलाउ नहीं करते। जो भी जुलूस आएगा उसको पीछे ही, आपने देखा होगा बैरियर लगे हुए, 6 बैरियर हमने लगाए हैं, उनको पीछे ही रोक दिया जाएगा। सीधा प्रत्याशी के साथ जो लोग अलाउड हैं, 4 लोग, वो अलाउड रहेंगे, वही आगे जो आरओ का कमरा उसके अंदर उनको जाया जाएगा। उसमें कोई मीडियाकर्मी भी अलाउड नहीं रहेगा आरओ के कमरे के अंदर। तो वो सब मानव जो इलेक्शन कमीशन के वो पूरे किए गए हैं। एवं ये भी ध्यान रखा गया कि जो कलेक्ट्रेट में नामांकन स्थल बना, जो आम पब्लिक है उनकी जो शिकायतें हैं वो आराम से आ सकते, तो छोटे वाहन हल्के वाहन जो है वो ड्रॉप करके जा रहे हैं। पब्लिक की सुनवाई भी चल रही है, जनसुनवाई भी चल रही है, ताकि कोई भी काम जो नॉर्मल रूटीन में वो भी डिस्टर्ब ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग सब जगह की गई है। इस महोबा रोड से प्रत्याशी अंदर आएंगे और जो हमारा उसके बगल हनुमान मंदिर के सामने जो खाली मैदान है उसमें उनकी गाड़ियों की पार्किंग है, और जो वहाँ से हमारा गेट बना हुआ है वहाँ से सिर्फ
कैंडिडेट के साथ चार लोग पैदल चल के अंदर आएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। जहाँ जहाँ बैरियर है वहाँ वहाँ पुलिस की और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, शांतिपूर्ण ढंग से इसे नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि हम लोग इस जो चुनाव का कार्यक्रम है उसको माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो देखिए सुंदर सी सजावट की गई है कि कोई नामांकन दाखिल करने आए तो उसको अच्छा लगे, और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से नामांकन कब से स्टार्ट है और आज से 26 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 11 बजे से, और 3 तारीख को हमारा नामांकन का लास्ट डेट रहेगा, 4 को हमारी स्क्रूटनी है और 6 को विथड्रॉल।